2014 से पहले आप लोग दिखाते थे, आज 2G हो गया, 3G हो गया, CWG हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, टिश्यू पेपर घोटाला हो गया, 24 में दिखाते हो आज सिसोदिया अंदर हो गया, आज मनीष सत्येंद्र जैन अंदर हो गया, तो केजरीवाल अंदर हो गया, तो हेमंत सोरेन अंदर हो गया। साहब इसका मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर करार प्रहार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ED की गिरफ्त के बाद अब तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं और अब ये भी लगातार ये बात चलती रही कि अब जो सरकार चलेगी दिल्ली की वो तिहाड़ जेल से चलेगी, लेकिन अब इस पर भी क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं कि आखिर में सरकार जेल से कैसे चल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा खुलासा हुआ कि केजरीवाल खुद ED को ये बता रहे हैं कि हमारी बातचीत सीधे नायर से नहीं होती थी, आतिशी बात करती थी, आतिशी को रिपोर्ट करते थे, आतिशी के साथ साथ वो सौरभ भारद्वाज को भी रिपोर्ट करते थे। जनता जनार्दन इस दोनों विषयों को लेकर के क्या कहती है, आइए सीधे जोड़ते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? 10 साल पहले अन्ना जी आए थे, 10 साल पहले अन्ना जी रामलीला मैदान से अन्ना जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की शुरुआत करी थी, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का मतलब था भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रहार। और जब जो केंद्र की सत्ता थी उस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और आजाद ये जो केजरीवाल, जिस केजरीवाल की बात करें, जिस रामलीला मैदान में ये लोग एकत्रित हुए थे वहाँ से सूची गिन पाते थे, लेकिन आज का केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इंडी विद करप्शन पे आके लटक गया, ये हाल है। और लेकिन उसको ये भूल गया कि लाल किले पर चौकीदार बैठा हुआ, और चौकीदार ने कसम खाई है, चौकीदार की गारंटी है, देश नहीं लुटे नहीं दूंगा, जो देश को लूटेगा उसको लौटाना पड़ेगा। चौकीदार भी साइलेंट है भाई साहब, क्योंकि केंद्र में सरकार है, उस सरकार की भी एक अपनी नैतिकता होती है, अपना एक वसूल होता है कि संविधान को स्थापित रखे। उनको इतने दिन तक दिल्ली को मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति शासन के लिए नहीं बोल देना चाहिए था क्या? चौकीदार साइलेंट है, देश का सिपाही वायलेंट है, तभी तो ईडी अंदर है, ऐसे नहीं है, तभी तो केजरीवाल अंदर है। एक बात बताइए, 2014 से पहले आप लोग दिखाते थे, आज 2G हो गया, 3G हो गया, CWG हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, टिश्यू पेपर घोटाला हो गया, 24 में दिखाते हो आज सिसोदिया अंदर हो गया, आज मनीष सत्येंद्र जैन अंदर हो गया, तो केजरीवाल अंदर हो गया, तो हेमंत सोरेन अंदर हो गया। साहब इसका मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर करार प्रहार है। और मोदी जी को जनता ने इसलिए इसी दिन के लिए वोट किया था कि जो उनके पैसे लूटे जा रहे थे, और कुछ लोग कहते हैं 15 लाख नहीं आए, मोदी जी ने कह दिया बैंक खाते की पासबुक एंट्री करवा के रख लो, जिन्होंने लूटा है उससे लौटाएंगे और जनता के खाते में भरने का काम करेंगे, यह मोदी की गारंटी है साहब, मोदी की। केजरीवाल जनता के खाते में दे दिया, जब पूछ रहा है वो तो कह रहे जनता के खाते में दे दिया, बात तो बोलना होगा। केजरीवाल कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन वो भी संभव नहीं है, आप केजरीवाल को ठीक मानते हैं? ठीक तो नहीं है, घोटाला किया तो पहले बता रहे नहीं, अगर घोटाला नहीं किया तो पहले उसको आना चाहिए था ना CBI के पास, अगर नहीं किया तो जवाब ED के पास आना चाहिए ना, और आना चाहिए था ना कि मैंने नहीं किया, वो सबूत दिखाना चाहिए इनको। लेकिन अभी इंडिया वाले जो इकट्ठा हुए वो ये कह रहे हैं कि मोदी जो है ED CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब। वो तो सबूत क्या, इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा ना, इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा ना। एक चीज आपसे पूछेंगे, आप थोड़ा सा इस मामले को अच्छे तरीके समझते हैं, एक बात ये बताइए कि आखिर में केजरीवाल इतने दिनों के बाद अगर कुछ बोले तो वो ये बोले कि हमको रिपोर्ट नहीं करते थे नायर, वो आतिशी और सौरभ को करते थे, इससे क्या क्या आप समझ रहे हैं, क्या मतलब है भाई साहब? ऐसा है, अब वो खुद अंदर बैठ के अपने साथियों को धीरे धीरे अंदर बुलाएगा, अब आतिशी और भारद्वाज का नंबर लग गया, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये भी गई, बाकी वो जिस जिसका नाम लेता जाएगा वो अंदर होते जाएंगे। बाकी रहा केजरीवाल, आपकी उम्र मेरे ख्याल में 30 के आसपास होगी, अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम आप 20-22 समझदार होंगे, इसने एक मंच से नारा लगाया था, बाहर निकलो मकानों से, लड़ाई लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे भ्रष्टाचारियों से, ये केजरीवाल का नारा था अन्ना के मंच से। और पिछले साल उसने एक 2021 के आखिर में उसने एक आवाज़ दी थी भारतीय जनता पार्टी को, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो सबसे पहले सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इसकी कस्टडी में लो, 2 दिन के अंदर सारे भ्रष्टाचारी पीछे पीछे आ जाएंगे। एक मिनट जी,
शराब के घोटाले का जो मामला है 2 जून, समझ लेना, 2 जून 2022 अजय माकन संसद भवन थाने में उसने रिपोर्ट लिखवाई थी। जो कल साथ में थे कांग्रेस वाले, संसद भवन थाने में अजय माकन ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि शराब में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, नाम भाजपा का आ रहा है, उजागर मैंने किया है, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। वही तो कल भैया कर रहे थे सर, तो भाई साहब ऐसा है जब थाने जाने का डर लगता है ना, चोर चोर एक दूसरे के पीछे छुपते हैं। साहब मेरा कुल मिला के आंकलन ये है, मुद्दे कुछ भी हो, इस टाइम नेशनल लेवल पे मोदी गवर्नमेंट बड़ी जरूरी है, मोदी गवर्नमेंट ही आना बड़ी जरूरी है। स्टेट लेवल पे ठीक है जो आएगा देखी जाएगी, स्टेट लेवल पे अब नीतीश कुमार जी हैं या उनके नीचे क्या काम नहीं होंगे गलत, वहाँ पर वो दोबारा जुड़ गए, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अपनानी पड़ती हैं चीजें, किसी की मन महत्वाकांक्षा। और सर आप घोटाला होना चाहिए मतलब इस तरह, मैं अगर नेता होता, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एज अ सिविक सर्वेंट, एज अ सिविक यहाँ पब्लिक का वो, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पब्लिक में दुबई जैसा रूल हो कि दुबई जैसे वहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, मैंने मोबाइल छोड़ दिया, अगर यहाँ पर आप रोड पे जाइए जितने किसी सर फुटवा लीजिए, आपके सर फुट एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, एक सर फुटवाने के लिए आप सर फुटवा लीजिए, जब तक ये रूल नहीं होएगा ना कि सर फूटने वाला भी और सर फुटवाने वाला भी दोनों अंदर होएंगे, तब तक पहले सुरक्षा चाहिए घर के लेवल पे, घर के लेवल पे। आप कहेंगे आप रेप होते हैं ये होते हैं, उसमें तो तानाशाह हो जाएगा ना कि मोदी तानाशाही, तानाशाह क्यों हो जाएगा बाय रूल इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, आज भी रूल्स हमारे ठीक हैं, हमारी पुलिस जो है नैतिकता के आधार पे केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए भाई साहब, नैतिकता के आधार पे, आप जो नैतिकता के आधार पे अगर यहाँ पर सब चीजें होती तो उसको अभी तक तो देते आए हैं जिन जिन को आरोप, अगर उनका पुराना रुख देना जाए तो दे देना चाहिए, पुराना रुख देखा जाए तो दे देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। इसमें भी राजनीति है, वो राजनीति क्या खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है कि, और अब जो हैं ऐसे लोग बैठे हैं जब तक मैं इनका बेड़ा पार नहीं कर लूंगा, मैं अगर कर दूंगा ये काम, अब इनका पावर अप है, अब मैं पब्लिक के पास जाने के बाद अचानक केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे से बातचीत नहीं होती थी, आतिशी से बात होती थी, सौरभ भरद्वाज से बात होती थी। भाई साहब देखो ऐसा हो सकता है, देखो रुख देखो ये अंदर की बातें हैं, जब तक पूरी सामने नहीं आते रुख मुड़ेगा नहीं, जब तक चाहूंगा कि देखिए आप भी अपने घर के मुखिया आदमी होंगे, आप भी अपने कोई भी रिपोर्टिंग करते होंगे अपने पिताजी को या माताजी को करते होंगे, वैसे भी केजरीवाल अपने एक मुख्यमंत्री थे, वो अपने जिसको अपने करीबी मानते हैं केवल उन्हीं को अपना वो करते हैं। केजरीवाल की बात नहीं है, जो विजय नायर की जो बात हो रही है यहाँ पे, जो मुख्य एक तरीके का वहाँ पे और मैं आपके चैनल के द्वारा एक रिफरेंस और जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा कि लोग अपने आप में जैसा उनको जो पार्टी ठीक लगती है आप उनको चुने, अपने देश को हित में बचाना हो तो, अगर किसी और को चुनेंगे तो देश बर्बाद हो सकता है। दूसरा चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जैसा कि भैया ने अभी सवाल उठाया था कि हमारे देश में सऊदी अरब जैसा कानून हो, तो वैसा ही कानून अगर हमारे देश में लागू हो जाएगा तो केजरीवाल अब तो तिहाड़ पहुंच गए। अरे नहीं भाई साहब, शरीर वहां है, आत्मा आपके पीछे खड़ी है, वो देखो वो खड़ी। अरे केजरीवाल साहब नमस्कार, उसकी आत्मा देखो वो खड़े ना केजरीवाल। अरे डरो मत, अरे वो बोले थे उनकी आत्मा खड़ी है यहाँ पर भाई साहब, उन्हें पता है बातें उनके बारे में हो रही है, तो भाई साहब डर लगता है। मुझे वो डर लगता है लेकिन इसलिए मैं रुद्राक्ष पहन के घूमता हूँ, केजरीवाल मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। केजरीवाल, अच्छा केजरीवाल भाई साहब तुम मुझे अटैक नहीं कर सकते। अरे क्या बात कर रहे हैं, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है तभी तो जेल चले गए, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। तुमने बुरा कर्म करे थे, तुम राशन कार्ड बना रहे थे महिलाओं का, बन रहा था ना राशन कार्ड, भूल गए? अरे पत्रकार महोदय मैंने आपकी मेमोरी ताजा कर दी, राशन कार्ड बन रहा था ना, हाँ तो वो कैसे बन रहा था, 1200 रुपए तुम बस में 1200 रुपए तुम महीने के दे रहे हो उनको, हैं 1200 रुपए तुम महीने के दे रहे हो और तुम महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम गंदा पानी दे रहे हो, हैं मैंने पानी दिया गटर का पानी दिया तुमने, बताइए ये यमुना साफ है, नौटंकी बाज यमुना में खड़ा हो गया, अरे ये तो साफ है। अरे निकम्बे तू ही तो कह रहा था कि मैं 10 साल से साफ करूंगा, 10 साल से साफ करूंगा, क्यों नहीं साफ किए? ₹200 करोड़ इन्होंने उसको दे दिए, RTI के द्वारा ये बात पता करी गई है, सुन लीजिए। अरे 20 लाख से करीब गरीब सड़क पे यहाँ पर भरा है ठंड में, कंबल ही बांट देता निकम्मे, क्यों नहीं बांटा तुमने, क्यों नहीं बांटा कंबल, नहीं बांटा ना, फिर कहता मोदी जी मैंने कंबल बांटा, तुमने क्या किया बताइए,
बेशर्म आदमी, निकम्मा आदमी से जेल गया जी वो। जेल गया और जेल जाने के बाद कह रहे हैं कि हमने नायर से, विजय नायर से बातचीत नहीं की, वो हमें रिपोर्ट नहीं करते थे, वो आतिशी और सौरभ भरद्वाज को रिपोर्ट करते थे। क्या ये नया खेल है? क्या क्या कह रहे हो? क्या ये नया खेल है? क्या आतिशी और उनको भी? अरे भाई साहब आतिशी एक मिनट की बात छोड़िए, राघव चड्ढा कहाँ पर है? मालीवाल कहाँ पर है? विदेश में दोनों की दोनों है कि नहीं? क्यों क्यों अब उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है, इसलिए भाग गए यहाँ से, इसलिए भाग गए। और परिणीति चोपड़ा इसको डाइवोर्स देगी, मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे जेल जाएगा। मैं आपको अभी अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। राघव चड्ढा की बात कर रहे हैं? और राघव चड्ढा की बात कर रहा हूँ, बाहर है ना, लंदन में है ना वो। दवाई कराने क्या मेरे भाई? अरे तो तुमने मोहल्ला क्लिनिक इसलिए खेले खोले थे? लूडो खेलने के लिए खोले थे क्या? मोहल्ला क्लिनिक क्यों खोले थे? वहाँ इलाज कराना। और तेरा तेरा केजरीवाल तो अपने खांसी ठीक कराने के जा रहा है कर्नाटक, वहाँ जाकर नाटक कर रहा है। तुमने इतने वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बनाए ना, तो यहाँ क्यों नहीं इलाज करा रहे? जाइए कराइए ना, लंदन क्यों गए? तुम तो बहुत गरीब आदमी थे यार, सबसे गरीब नेता तुम थे, था कि नहीं? राघव चड्ढा ने बात बोली थी ना, तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अच्छा बीवी की कमाई खा रहे हो? बीवी, तुमने तो बोला था कि ये पैसा पंडित जी का है जो हमारी शादी में लग रहा है। बेशर्मी की हद होती है, निकम्मे निठल्लेपन की हद होती है। जो बोला वो कभी किया ही नहीं लोगों ने, किया? एक बात बताइए कि नहीं भाई साहब, क्या किया बताइए? अरे आप मोहल्ला क्लिनिक भूल गए? आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के अलावा अगर देखे तो कुत्ते वहाँ पर हनीमून मना रहे हैं, समझ रहे हैं ना? कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पर, समझ रहे हैं? कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पर। और क्या पता राशन कार्ड नाम के बनाने के नाम पे कोई उनका नेता वहाँ किसी महिला को ले जाए, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है।